राजस्थान में 2 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। पार्टी ने वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। चर्चा है कि अपनी अनदेखी से वसुंधरा राजे नाराज है। चारों दिशाओं में अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे। खास बात यह है कि इस बार परिवर्तन यात्रा का कोई चेहरा भी नहीं है, जबकि इससे पहले गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल के खिलाफ निकाली गई परिवर्तन यात्रा का मुख्य चेहरा वसुंधरा राजे ही थी। इस बार वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत घूम घूम कर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे फील्ड में कम एक्टिव है। वसुंधरा राजे जब भी बोलती हैं तो सिर्फ यही बोलती हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर ले रही हैं। खास बात यह है कि बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे को मनाने का प्रयास करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाल ही में अमित शाह गंगापुर सिटी के दौरे पर आए, लेकिन वसुंधरा राजे समर्थकों ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। अमित शाह ने भी मनाने का प्रयास नहीं किया। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि वसुंधरा राजे अपनी अनदेखी से व्यथित हैं। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके बावजूद भी चुनाव में अनदेखी की जा रही है। उन नेताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है जिन्हें वसुंधरा राजे ने कभी आगे बढ़ाया, और आज वो वसुंधरा राजे को खुली चुनौती दे रहे हैं। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वसुंधरा राजे का धुर विरोधी माना जाता है। वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाने वाले नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया फील्ड में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि इनमें केंद्रीय मंत्री शेखावत की सक्रियता से वसुंधरा राजे कैंप के नेता अंदरूनी तौर पर खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री फेस घोषित नहीं किया है। ऐसे में चुनाव बाद बीजेपी सत्ता में आती है तो केंद्रीय मंत्री शेखावत अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।